उधर अमेरिका में चुनाव की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पर हैं। अमेरिका के शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में कमला हैरिस ने अपनी उम्मीदवारी को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया। इस दौरान अपने संबोधन में कमला हैरिस ने कहा कि यहां तक का रास्ता अप्रत्याशित, पर मैं इससे अपरिचित नहीं हूँ। इस चुनाव में हमारे देश के पास कड़वा हाथ बांटने वाली बातों से आगे बढ़ने का मौका है। मैं सबकी राष्ट्रपति बनूंगी, ये अमेरिका के भविष्य की लड़ाई है। डोनाल्ड ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस में लाने के गंभीर परिणाम होंगे। हम पीछे नहीं जाएंगे, हम भविष्य बनाएंगे। तो यहाँ पर कमला हैरिस ने अपनी बात जो है वो रखी है और जो राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी जो है उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर भी जो है निशाना यहाँ पर साधा। Consider his explicit intent to set free violent extremists. The power he will have, especially after the United States Supreme Court just ruled that he would be immune from criminal prosecution. Donald Trump tried to throw away your votes. But America, we are not going back. We are not going back. We are not going back. In many ways, Donald Trump is an unserious man. We are not going back to when Donald Trump tried to cut Social Security and Medicare. We are not going to let him eliminate the Department of Education that funds our public schools. America, we are not going back. Now is the time to get a hostage deal and a ceasefire deal done. And let me be clear. I will always stand up for Israel's defend itself, and I will always ensure Israel has the ability to defend itself, because the people of Israel must never again face the horror that a terrorist organization called Hamas caused on October 7. What has happened in Gaza over the past 10 months is devastating. President Biden and I are working to end this war such that Israel is secure, the hostages are released, the suffering in Gaza ends, and the Palestinian people can realize their right to dignity, security, freedom, and self-determination. हमारे सहयोगी कादमनी हमारे साथ बने हुए हैं। कादमनी, यहाँ पर दोनों ही पक्षों की बात उन्होंने कर दी, पैलेस्टीन और इसराइल के बारे में। खैर, ट्रंप पर भी मुखर रही काफ़ी, लेकिन क्या मुद्दे हैं अमेरिका में और कमला हैरिस किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रही हैं? देखिए, जिन जिन चीजों को लेकर उन पर हमेशा सवाल उठाए डोनाल्ड ट्रंप ने, या जिनको लेकर उनके ऊपर रिपब्लिकन पार्टी हमला करती रही है, उन सब चीजों को उन्होंने यहाँ पर मंच में, जो डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन है उसके आखिरी दिन आखिरी भाषण में उन्होंने बोला है। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की है कि किस तरह कादमनी के नेटवर्क में थोड़ा इशू है, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर कमला हैरिस, जो कि नामांकन स्वीकार करने के बाद अपनी बात यहाँ पर रख रही थी, उसमें उन्होंने अपने विजन की भी बात की, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कई सारे सवाल जो है वो उनकी तरफ से खड़े किए गए। कादमनी वापस हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी कादमनी। जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने बात की है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लेकर, जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर हमला किया ब्लैक और इंडियन मूल की, उसको लेकर उन्होंने बयान दिए, कहा कि अपनी माँ के बारे में बात की, पिता के बारे में बात की, जिसको लेकर रिपब्लिकन्स को भी चिंता हो रही है कि किस तरह से ट्रंप रिएक्ट करेंगे अगर कल को कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं। तो उन्होंने एक फ्री फेयर इलेक्शन की बात की, उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ हो और पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो। उन्होंने 6 जनवरी की याद दिलाई जब उन्होंने कहा कि ट्रंप ने एक मॉब को कैपिटल हिल पर छोड़ दिया, जिसके मामले में अभी भी केसेस चल रहे हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि किस तरह से एबॉर्शन जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, महिलाओं का अधिकार था, उसको कैसे ट्रंप ने पलट दिया है। ये बहुत बड़ा वहां पर एक मुद्दा है जिसको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं लोगों के, और उन्होंने ये वादा किया है कि जब वो प्रेसिडेंट बनेंगी
तो इसको वो कानून बनाएंगी कि महिलाओं को अपने डिसीजन लेने का हक होना चाहिए। एक और चिंता जो है, जो खासकर मिडिल क्लास अमेरिकन्स को है, कि वो अमीरों के टैक्स काटते हैं ट्रंप, उसको लेकर उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि वो मिडिल क्लास के लिए काम करेंगी, उनके टैक्स कम करेंगी, और जो हाउसिंग की समस्या है, हेल्थ केयर की समस्या है, इन सब पर वो काम करेंगी। तो ये सभी चीजें उन्होंने बोली हैं। एक आरोप जो ट्रंप पर लगता है वो ये कि उन्होंने हर चीज से, हर लीडरशिप वाले रोल से अमेरिका को पीछे खींच लिया, नेटो से बाहर निकलने की बात की। उन्होंने कहा कि वो नेटो के साथ मजबूती से खड़ी हैं, यूक्रेन के साथ खड़ी हैं। उन्होंने इजराइल और गाजा की बात की कि किस तरह से इजराइल पर दोबारा हमला ना हो, ऐसे ये इंतजाम करना है। फिलिस्तीन की बात की कि किस तरह से उनको अधिकार होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो अमेरिका का जो नेतृत्व का रोल हमेशा रहा है, उसको मजबूती से उसके साथ खड़ी है। तो ये सभी चीजें उन्होंने बोली हैं और लोगों को कहा है कि वो आगे आए, वोट करें। तो एक बड़े बेस को उन्होंने एड्रेस किया है और ट्रंप के ऊपर जो आरोप लगते हैं उनको और मजबूती से यहां पर डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में सामने रखा है।